नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की मैं बात कर रहा हूं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल में बीजेपी भारी बढ़त की ओर है और एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में रुझानों के मुताबिक बीजेपी की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ईटानगर में मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोयवाल मौजूद है, उन्हीं के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर अरुणाचल की यही कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार। बीजेपी का पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। सेलिब्रेशन का कारण है कि 60 सीटों में दंत तो अनकंटेस्टेड है और उसके साथ ये जोश और उल्लास की अगली बार 400 पर। अरुणाचल में दो लोकसभा की सीटें हैं जिनका मतदान का रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन आज विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी लीड हासिल कर रही है उस पर पूरी टीम हमारे साथ है। पूछते हैं अशोक सिंगल से, जो असम में तो कैबिनेट मंत्री है लेकिन अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी है, तो क्या मैं ये कहूँ एक प्रभारी सब पर भारी? ऐसा नहीं है, उत्तर पूर्वांचल को कोई पूछता नहीं था, नेग्लेक्टेड एरिया था, कोई आता नहीं था, कोई सूद भी लेता नहीं था। 10 साल में मोदी जी ने जितना प्यार नॉर्थ ईस्ट को दिया है, और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं कि भारत की अष्टलक्ष्मी है नॉर्थ ईस्ट के ये 8 स्टेट, और जितनी बार वो आए 70 बार वो नॉर्थ ईस्ट आए पिछले 10 साल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको छोड़ दीजिए, ये तो माने इसके अंदर तो भयंकर प्रगति है, पर उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है, उनका जो दिल से वो जो यहाँ के लोगों को चाहते हैं, यहाँ की जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और अरुणाचल में भी वही आपको देखने के लिए। तो नहीं है कि सत्ता में है तो हम सत्ता का इस्तेमाल करके फिर सत्ता में आ जाते हैं अशोक जी? ऐसा नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन लड़ना ये बहुत कठिन होता है। एक सरकार वो फिर जब रिपीट करती है तो उसका अर्थ है कि जनता वास्तव में आपसे खुश है और आपको आशीर्वाद दे रही है। तो प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट बनाना बहुत आसान नहीं है, और मोदी जी के अंदर जो त्याग और समर्पण है देश के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए जितना वो कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने। स्लोगन हो रहे थे और ये उत्साह दिख रहा था, अब की बार 400 पार, दो ही लोकसभा की सीटें हैं, वो भी दोनों जीत जाएंगे, तो जीत का फॉर्मूला है क्या पूर्वोत्तर में? जीत का फॉर्मूला ये है, उत्तर पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली का प्यार चाहिए, दिल्ली से सम्मान चाहिए जो पहले नहीं मिलता था, नेग्लेक्टेड था, मैंने बताया ना आपको। आज मोदी जी भरपूर प्यार देते हैं और उत्तर पूर्वांचल के लोग सम्मान और प्यार के भूखे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ, क्या आप मानते हैं इस बात से सहमत हैं कि पूर्वोत्तर को इतना प्यार इतना सम्मान पहले नहीं? हाँ, पहले नहीं देते थे, इसलिए आप सबको पता है पहले लुक ईस्ट पॉलिसी का कांग्रेस वालों ने कर देते, आप क्या है मोदी साहब का नेतृत्व में हम लोगों को क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसलिए बहुत सारा हाईवेज भी बन रहे हैं, आप गिनेंगे तो समय कम पड़ जाएंगे, चले जाएंगे। आपको क्या लगता है ये बात में कितनी सच्चाई? 100% सही है इनकी बात, 100% सही है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट इस बार विधायक है, आप तो अनकंटेस्टेड जीत गए हैं तेजी साहब, ये बताइए काशी साहब की इस बार क्या है महत्व, क्योंकि ईटानगर से बार बार जीतना अनकंटेस्टेड तो आसान नहीं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी एक कैंडिडेट को टिकट देता है और काम करने का मौका देता है, और उस लीडर को अपना जो पार्टी का जो कार्यकर्ता का साथ और पार्टी लीडर का साथ जुड़ के रहना, और अपना जो बीजेपी के पार्टी ऑफिस के सामने पटाखे छूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 60 सीट पे 10 और बीजेपी ने जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ लाइव तस्वीरें, और पहली तस्वीरें इस तरह से दिवाली मनाते हुए पटाखे छोड़ते हुए, ये है पूरी पार्टी में यहाँ पर उत्साह का माहौल और जोश। और आपको ये बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन 2024 में चुनाव में राज्य के चुनाव में पहला रुझान आते ही अरुणाचल में किस तरह से एक और सड़कों पर पटाखे छूटे हैं, तो वहीं यहां पर समर्थकों में जोश और उत्साह देखते ही बनता है। जगह जगह के विधायक यहां पर आए हुए हैं, आप ही से पूछ लेते हैं यहां पर कहां से हैं आप, यहां पर अरुणाचल में कितना उत्साह है कि इस बार जीत हासिल हो रही है, कितना उत्साह है कि जीत रही है बीजेपी? कंफर्टेबल इन हिंदी? यस यस ओके। देखिए एक के बाद एक विधायकों का आने का दौर लगा हुआ है, मनोज्ञा जय श्री राम का कलम पहने हुए हैं, ये क्या है? जय श्री राम है।
जय श्री राम। ठीक है मनोज, क्या मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य है जहां पर मतगणना जारी है, वो है सिक्किम। यहां से खबर यह है कि एसकेएम यानी पिछली बार जिस पार्टी की सरकार थी उसी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। एसकेएम प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है रुझानों के मुताबिक। मेरे सहयोगी श्रीनिवास वहीं पर मौजूद हैं गैंगटॉक में, उन्हीं के पास मैं आपको अब लिए चलता हूं। सिक्किम का संकेत क्या है श्रीनिवास? अखिलेश देखिए, तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है और इसके बारे में ऐसे भी कह सकते हैं कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं और एसकेएम के नेता, वो स्टेडियम में यहाँ जनता को संबोधित करने वाले हैं। तकरीबन अब से आधे घंटे के बाद ये प्रोग्राम शुरू होना है और इस वक्त जिस मतदान केंद्र पे यानी गैंगटॉक के मतदान केंद्र पे मैं मौजूद हूँ, आप पीछे देख सकते हैं तमाम गाड़ियों को यहाँ पे जश्न के लिए सजाया जाने लगा है और अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जो है एसकेएम के नेता, वो राज्य के लोगों को स्टेडियम से संबोधित करेंगे। लैंडस्लाइड विक्ट्री है, कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट एसडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक तो कहते हैं ना कि सुपड़ा साहब, ये सुपड़ा साहब से भी कुछ आगे की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ऐसा हालांकि ऐसा माना भी जा रहा था कि एसकेएम इस बार इस बार भी बढ़त बनाएगी, लेकिन इस तरह की बढ़त की उम्मीद नहीं की जा रही थी जिस तरह की तस्वीर है जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।